मैंने खुद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सारा घोटाला का पैसा जो है नीतीश कुमार भी खाए हैं, और सुशील मोदी बतावे कि अपने बयान पर कायम है कि नहीं। सारा घोटाला की बात है, देखिए इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं, और एक हम लगा रहे हैं कि श्याम बिहारी सिन्हा से आप मिले हैं कि नहीं, इसका भी आप जवाब दीजिए। तो उन्होंने हमको फ़ोन किया और हमको कहा कि देखो, अगर मैंने हम लोगों की तरफ से कोई दस्तखत नहीं करेगा, नीतीश तैयार नहीं हो रहा है, नीतीश भाग रहा है, कि ये कहना नीतीश कुमार का कि कोई किसी इंडिविजुअल ने किया था, नहीं पार्टी ने किया था। नमस्कार, मैडम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद की मुश्किलें बढ़ गई हैं। सीबीआई की विशेष कोर्ट द्वारा उन्हें 5 साल की सजा सुनाई गई है, इसके साथ साथ 60 लाख रुपए का जुर्माना भी उनसे वसूला जाएगा। अब ऐसे में एक बार फिर से लालू प्रसाद यादव जेल में ही रहेंगे फिलहाल, जब तक उन्हें जमानत नहीं मिलती है। इस वक्त शिवानंद तिवारी राजद के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हमारे साथ हैं। शिवानंद तिवारी से बात कर रहे हैं, हम इसलिए पहुँचे हैं क्योंकि नीतीश कुमार जो कि बिहार के मुख्यमंत्री हैं, कुछ सालों तक आप उनके साथ भी काम किए, उन्होंने आज कह दिया है, इशारों में आप पर भी तंज कसा है कि जिन लोगों ने शिकायत की थी कहाँ है आजकल वो, ये सब हमसे नाम खुलवाइएगा। नीतीश कुमार का हमने भी सुना और हमको हंसी भी आई। ये जो कह रहे हैं वो कोई नई बात तो है नहीं, सारी दुनिया जानती है कि जो चारा घोटाला वाला पिटीशन पड़ा था पटना हाईकोर्ट में सीबीआई से जांच के लिए, उसमें एक पिटीशन में दस्तखत करने वाला मैं भी था, दूसरे पिटीशन पर दस्तखत करने वाले बिरसन पटेल जी थे, हम लोग दोनों आजकल लालू यादव के साथ हैं। और नीतीश कुमार ये क्यों भूल जा रहे हैं कि ये कोई व्यक्तिगत फैसला नहीं था, ये तो पार्टी का ही फैसला था, जिस पार्टी के आप नेता थे, जिस पार्टी ने आपको लालू यादव के विकल्प के रूप में मुख्यमंत्री के का चेहरा पेश किया था, उसी पार्टी का ये निर्णय था। नहीं, आप कह रहे हैं कि पार्टी का निर्णय था, वो कह रहे हैं कि जब वो लोग हमारे पास आए थे उस वक्त हमने कहा था कि नहीं हमको मत कहिए, आप अपने जाइए। ना ना, झूठ बोल रहे हैं नीतीश कुमार इस मामले में, सरासर जो है झूठ बोल रहे हैं। ये बात सही है, नीतीश कुमार के बारे में हम जानते हैं, नीतीश कुमार के रीढ़ में ताकत नहीं है, वो कहाँ से ये सब कर पाएंगे। जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको कहा था, सब लोग इस बात को जानते हैं, पूरी कहानी मैं बता चुका हूँ, इसके पहले भी अलग अलग लोगों से जो बातचीत हुई है, जौहर साहब ने हमको फ़ोन करके कहा, हम उस समय दिल्ली में ही थे, और उन्होंने कहा, और ये खिस्सा उसके पहले आप जाइए, तो जो पहला चुनाव हुआ लालू यादव के खिलाफ, नीतीश कुमार वहाँ से निकले, नीतीश कुमार का ड्राइवरी बन के हम जो है उनको पूरे बिहार में हम उनके साथ घूमे, उनको घुमाए, अपार भीड़ हो रही थी, 14 सांसद निकले थे, और ऐसा लग रहा था कि नीतीश कुमार की सरकार जो है बनने वाली है। हालत तो ये है, हमको हंसी भी आ रही है कि बहुत सारे लोग जो है सरकारी बंगला देखने लगे थे कि हम लोगों की सरकार बनेगी तो हम लोग जो है कहाँ कहाँ किस कोठी में रहेंगे, ये स्थिति हो गई थी। जो नीतीश कुमार उस समय सांसद थे, जॉर्ज साहब ने कहा कि भाई जब तक तुम असेंबली का चुनाव नहीं लड़ोगे तब तक जो है कैसे मुख्यमंत्री बन सकते हो, तो सांसद रहते हुए हर नौत से चुनाव लड़े, और नतीजा क्या निकला कि सिर्फ 7 विधायक मैंने चुने गए। जो लोग मैंने सरकार बनाने का सपना देख रहे थे, चुनाव के पहले कोठी खोज रहे थे कि किस कोठी में हम रहेंगे, 7 जो है विधायक बन पाए, और उसके बाद ये चारा घोटाला वाला मामला हुआ, और चारा घोटाला में कोई ऐसा नहीं था कि मैंने जो मुकदमा करने वाले लोग थे उन लोगों ने उजागर किया, ये तो संजोग ऐसा था कि जो चाईबासा के डीसी थे जिनका नाम देखिए मैं भूल रहा हूँ, उन्होंने अचानक जो है मैंने चूँकि डीसी और कलेक्टर वही इंचार्ज होता है ट्रेजरी का, ये मैंडेटरी है कि टाइम टू टाइम जो हो वो इंस्पेक्शन करेगा ट्रेजरी का, उन्होंने चाईबासा के ट्रेजरी का इंस्पेक्शन किया और इंस्पेक्शन के दरमियान पाया गया कि साहब अवैध निकासी हो रही है, जो अलॉटमेंट है डिपार्टमेंट का उस अलॉटमेंट से ज़्यादा निकासी हो रही है, और बात जो है फाइनेंस सेक्रेटरी तक पहुंची, लालू जी की सरकार थी, फाइनेंस सेक्रेटरी बी एस दुबे थे, पूरे ट्रेजरी का उन्होंने बिहार में इंस्पेक्शन कराया, पता लगा कि साहब ये एक खेल जो है हो रहा है, क्या नाम है, पशुपालन विभाग में। तो उसके बाद जो है कई दिनों के बाद जब ये हल्ला होने लगा कि कागज़ जलाया जा रहा है, जो साक्ष्य है उसको मिटाने की कोशिश हो रही है,
तब हुआ कि जाके मैंने इस मामले की सीबीआई जांच करे, जिसकी सरकार है और जिसके सरकार में घोटाला हुआ है वो सरकार ईमानदारी के साथ उसका जांच नहीं करा सकती है। पिटीशन फाइल हुआ जॉर्ज फर्नांडिस ने नीतीश कुमार को, अच्छा उस समय जो पहला जो चुनाव हुआ था जिसमें 7 विधायक चुने गए, उस समय माले के साथ जो है मैंने अलायंस करके चुनाव लड़ा गया था। जॉर्ज फर्नांडिस और मिश्रा जी, ये दोनों माले के कार्यालय से ही जो है इसकी घोषणा हुई थी, लिस्ट रिलीज हुआ था। दोबारा जब भारतीय जनता पार्टी के साथ जो है उस चुनाव में हार के बाद भारतीय जनता पार्टी के साथ अलायंस हुआ, भारतीय जनता पार्टी जो है मुकदमा करने जा रही थी। जॉर्ज साहब जो है ये चाहते थे कि नीतीश भी मुकदमा में का जो मैंने वकालतनामा है उस पर दस्तखत करें। नीतीश नहीं तैयार हुए तो उन्होंने हमको फ़ोन किया और हमको कहा कि देखो अगर मैंने हम लोगों की तरफ से कोई दस्तखत नहीं करेगा, नीतीश तैयार नहीं हो रहा है, नीतीश भाग रहा है, तो हमारी पार्टी खत्म हो जाएगी, खाली भारतीय जनता पार्टी जो है वो दिखाई देगी मैंने भारतीय जनता से नीतीश कुमार से लड़ते हुए। तो ऐसी हालत में हमारे पार्टी का औचित्य क्या रहेगा, लोग क्यों हम लोगों को वोट देंगे, क्यों समर्थन करेंगे। इसलिए पार्टी को बचाना है, तुम जो है जाके दस्तखत करो। उन्होंने हवाई जहाज का टिकट भेजा, हम आए, दस्तखत हुआ, उसमें सीबीआई की इंक्वायरी की मांग जो है हाईकोर्ट ने कबूल कर लिया। तो ये बात कहना कि हाँ मुझे पता नहीं था, ये बात झूठ है। एक झूठ बोल रहे हैं नीतीश कुमार, बिल्कुल झूठ बोल रहे हैं। हम तो ये कह रहे हैं कि जॉर्ज फर्नांडिस ने उनको कहा, उन्होंने रिफ्यूज किया, तब पार्टी की ओर से हमने दस्तखत किया, कोई इंडिविजुअल हम दस्तखत नहीं किए। भारतीय जनता पार्टी और हम लोगों की पार्टी दोनों का संयुक्त था। उसके बाद ललन सिंह दूसरा दो पिटीशन पड़ा, पहला पिटीशन पड़ा जिसमें सुशील कुमार मोदी, सरजू राय और हम पिटीशनर थे, रविशंकर के घर में उस पर दस्तखत हुआ, वो बिना तैयारी के हुआ था। भारतीय जनता पार्टी हड़बड़ में थी, उसको लग रहा था कि हमको सहरा लेना चाहिए कि लालू यादव से हम लड़ रहे हैं, बिना तैयारी के केस हुआ। और दूसरा पिटीशन जो है ललन सिंह ने कागज पत्र तैयार किया, जिसमें ललन सिंह, बिरसेन पटेल और रिजन राम मांझी सब पार्टी के नेता थे, उन लोगों का दस्तखत हुआ, तीनों पार्टी के नेता थे। इसलिए ये कहना नीतीश कुमार का कि कोई किसी इंडिविजुअल ने किया था, नहीं, पार्टी ने किया था। और उसका मकसद ये था कि जहाँ जिस चुनाव में सरकार बनने की उम्मीद थी, सरकार बनने की बात तो छोड़ दीजिए, सिर्फ 7 विधायक जीत पाए, वैसे मजबूत लालू यादव को जनता के अखाड़े में आप नहीं पटक रहे हैं, तो अदालत में कैसे उसको फंसा करके हराया जाए, यही उसके पीछे मकसद था। और मकसद ये था कि नीतीश कुमार जो है मुख्यमंत्री बने, उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए ये सब सारा खेल हुआ था। और जहाँ तक चारा घोटाले की बात है, देखिए इसमें सब लोग इन्वॉल्व हैं। अब हम नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन हम कहना चाहेंगे कि श्याम बिहारी सिन्हा से कभी नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी कि नहीं। नीतीश कुमार को यह भी स्पष्ट करना चाहिए कि श्याम बिहारी सिन्हा जो किंग पिन थे, जिनके बारे में कहा जाता है कि पशुपालन घोटाला का माफिया वही थे, उनसे नीतीश कुमार की मुलाकात हुई थी कि नहीं, ये नीतीश कुमार बतावे। उसके बाद जो है आगे की बात होगी। इसलिए नीतीश कुमार जो बनने की कोशिश कर रहे हैं घुटी घुटी, और आजकल ज़्यादा बनने की कोशिश कर रहे हैं इसलिए कि प्रधानमंत्री की कृपा उन पर हुई है और वो मैंने सच्चे समाजवादी के रूप में उनको सर्टिफिकेट उन्होंने तमगा दिया है, जिसको मढ़वा करके वो घर में आगे भविष्य में टांगेंगे, इसलिए थोड़ा ज़्यादा आजकल बोल रहे हैं, प्रफुल्लित नज़र आ रहे हैं। ये तमगा के पहले जब भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको चारों तरफ से खुदिया रहे थे बांस से, उस समय उनका बकार जो है मुंह से नहीं निकल रहा था, इतना डिमोरलाइज थे। प्रधानमंत्री के सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो है थोड़ा पम्पम है, लेकिन उनको बताना चाहिए कि मैंने खुद सुशील कुमार मोदी ने कहा कि सारा घोटाला का पैसा जो है नीतीश कुमार भी खाए हैं, ये नीतीश कुमार बतावें और सुशील मोदी भी बतावें कि अपने बयान पर कायम है कि नहीं। और नीतीश कुमार ये बोले कि ये क्या नाम है, सुशील कुमार मोदी ने जो आरोप लगाया था वो आरोप सही है कि नहीं, और एक हम लगा रहे हैं कि श्याम बिहारी सिन्हा से आप मिले हैं कि नहीं, इसका भी आप जवाब दीजिए। देखिए कुल मिलाकर जो लगी नीतीश कुमार ने घुमाई फेंकी, अब शिवानंद तिवारी उसमें उन्हें भी फंसा रहे हैं, पुरानी बातों को
पूछ रहे हैं कि श्याम बिहारी सिन्हा से आपकी मुलाकात हुई थी या नहीं हुई थी, सुशील मोदी ने जो कहा था क्या उसका जवाब है आपके पास, और चारा घोटाले मामले में जो कुछ भी बातें निकल के आ रही हैं उससे हम आपको अवगत कराते जा रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।